है, बीजी कलर हो गया, बैकग्राउंड भी हमने सेट किया था। अब साथ में यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट इक्वल टू, डबल कोट देता हूँ, और यहाँ पे टेक्स्ट को मैं कर देता हूँ रेड। ठीक है, मैं यहाँ पे एक एट्रीब्यूट और लगाया, बीजी कलर तो है ही, ठीक है, बीजी कलर मैंने इस बॉडी में अप्लाई कर चुका हूँ। ठीक है, मैं इसके बाद एक और एट्रीब्यूट यहाँ पे ऐड किया, टेक्स्ट एट्रीब्यूट। ठीक है, मतलब जितने भी इस बॉडी में टेक्स्ट लिखे होंगे सब के सब रेड कलर में हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टेक्स्ट इक्वल टू रेड मैंने यहाँ सेट कर लिया है। ठीक है, अब आके मैं यहाँ पे सबसे पहले इसको सेव करते हैं हम। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आके हम लोग रीलोड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो रेड कलर में शो हो रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ बीजी कलर जो है थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ ताकि हम लोग को अच्छे से दिखे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को जो टेक्स्ट का जो कलर दिख रहा है वो अब रेड कलर में दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग बीजी कलर के साथ में टेक्स्ट यूज कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे बैकग्राउंड यूज करते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बैकग्राउंड इक्वल टू, डबल कोट देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ उसका पाथ। ठीक है, कल हमने जो एक इमेज लिया था ये वाला, इसका मैं यहाँ पे पाथ देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पे ला के मैं इसको पेस्ट करूंगा, बैक स्लैश लगाऊंगा, फिर उसके बाद लिखूंगा ग्रीन डॉट JPG। ठीक है, मैं यहाँ पे तीनों जो हमारा तीनों एट्रीब्यूट्स है, बीजी कलर, टेक्स्ट और बैकग्राउंड, तीनों यहाँ पे अप्लाई कर दिया हूँ एक साथ। ठीक है, और तीनों मैंने इस बॉडी टैग में अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे आते हैं हम लोग और रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सबसे पहले वो अप्लाई किया गया बीजी कलर। ठीक है, टेक्स्ट इक्वल टू रेड हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद बैकग्राउंड क्या आ गया इसका, ग्रीन डॉट JPG जो हमने यहाँ पे सेट किया था वो आ गया। ठीक है, तो ये जो इमेज हम लोग को दिख रहा है बैकग्राउंड में, ठीक है, ये इमेज भी सेट हो चुका है, इमेज भी सेट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग तीनों एट्रीब्यूट एक साथ ले सकते हैं। ये एग्जीक्यूट कैसे होगा, जो भी रेंडर करेगा, मतलब जब वेब ब्राउजर इस एट्रीब्यूट्स को रेंडर करेगा, ठीक है, यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं बोलना चाहिए, रेंडर बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, जब इस टैग को रेंडर करेगा और यहाँ एट्रीब्यूट्स को सारा रेंडर करते जाएगा। ठीक है, बीजी कलर पहले एक्वा कर देगा। ठीक है, तो उसके बाद टेक्स्ट को रेड करेगा, फिर उसके बाद बैकग्राउंड को क्या करेगा, सेट कर देगा। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ बैकग्राउंड नहीं लिखते हैं तो हम लोग को बाय डिफॉल्ट क्या मिलने वाला है, एक्वा कलर मिलने वाला है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बैकग्राउंड रखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ बैकग्राउंड अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मतलब इस इमेज के पीछे वो कलर कौन सा है, एक्वा कलर है। ठीक है, तो बैकग्राउंड उसके ऊपर है, मतलब लेयर बाय लेयर। तो यहाँ पे जो बीजी कलर है वो सबसे पहला लेयर है। ठीक है, फिर उसके बाद टेक्स्ट को रेड किया, ये सेकेंड लेयर है जो ये दिख रहा है, और बैकग्राउंड जो है वो थर्ड लेयर है। ठीक है, तो लेयर बाय लेयर बॉडी जो होती है वो बनती जाती है, क्योंकि ग्राफिक्स की बात है ये, पूरा जो यहाँ पे दिख रहा है वो ग्राफिक है। ठीक है, तो ग्राफिक जो होता है वो रेंडर किया जाता है और यहाँ पे लेयर्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एट्रीब्यूट जो है वो हमने बॉडी टैग में अप्लाई किया, और बॉडी के अंदर जितने भी टेक्स्ट होंगे, जितने भी ग्राफिक्स होंगे, सब में अप्लाई किया जाएगा। मतलब ये बॉडी का बैकग्राउंड हमने सेट किया, बॉडी का बीजी कलर हमने सेट किया, और बॉडी में जितने टेक्स्ट होंगे उस का भी कलर हमने सेट कर दिया। तो हम लोग यहाँ पे भी टेक्स्ट के कलर जो है वो कितने भी हम लोग ले सकते हैं, जो भी कलर हम लोग को लगता है वो हम लोग यहाँ ले सकते हैं। टेक्स्ट को मैं यहाँ पे येलो करना चाहता हूँ तो येलो कर लूंगा। ठीक है, यहाँ पे आया और रिफ्रेश कर ले, येलो हो गया। ठीक है, और भी जो कलर है वो हम लोग चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे देता हूँ एक्वा। ठीक है, तो इस टाइप से कलर इसका चेंज हो गया। तो हम लोग कोई भी कलर टेक्स्ट को भी हम लोग दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जितने भी हम लोग टेक्स्ट लिखेंगे, जैसे मैं यहाँ पे पैराग्राफ टैग लगाया हूँ, इस पैराग्राफ टैग को मैं 10-15 बार मैं इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, और मैंने लिख लिया इसको, जितने भी टेक्स्ट है सब के सब किस में आएंगे, एक्वा कलर में हो गए।
ठीक है, तो बॉडी के अंदर जितने भी टेक्स्ट होंगे सभी में ये एट्रीब्यूट्स में जो वैल्यूज है वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये था टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट एट्रीब्यूट। तो हमने यहाँ पे तीनों एक साथ यहाँ पे पढ़ा।